फिर मैंने एक और जोर आवर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर घनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानिंद और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की सात आवाजें सुनाई दी और जब गर्ज की सातों आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन सात आवाजों से सुनी है उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ते को मैंने समुन्दर और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और जो अब्दुलाबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुन्दर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर न होगी, बल्कि सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुन्दर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जबान और बादशाहों पर फिर न